ज्विटर कोचिंग में आप सबका स्वागत है और एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज के साथ में हम हैं। आप लोग भी सोच गए होंगे ना कि हम न्यूज ही बताने वाले हो गए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट न्यूज है, उसके लिए आपको बताना था। बहुत बिग न्यूज है और वो न्यूज ये है कि जो CBSE बोर्ड के 10th के बच्चे थे उनका एग्जाम रद्द कर दिया गया है। CBSE बोर्ड के 10th क्लास के बच्चों का एग्जाम रद्द कर दिया गया है और 12th क्लास के बच्चों का CBSE बोर्ड के ही 12th क्लास के बच्चों का एग्जाम CBSE बोर्ड के ही 12th क्लास के बच्चों का एग्जाम वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, यानी वो आगे बढ़ा दिया गया है। वो CBSE बोर्ड के 12th का एग्जाम कब होगा ये फैसला 1 जून को मीटिंग होगी, उसमें लिया जाएगा। और अगर 12th का एग्जाम CBSE बोर्ड का जब भी कराया जाएगा, कम से कम डेट आने से 15 दिन पहले ये बता दिया जाएगा कि CBSE का 12th का एग्जाम कब कराया जाएगा। ये न्यूज क्लियर हो गई। अब फिर से हम लौट जाते हैं 10th पर। अब जब CBSE ने 10th का पूरा पेपर ही बोर्ड का कैंसिल कर दिया है तो नंबर कैसे देंगे, ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। तो शायद ऐसा है कि उनके एग्जाम जो विद्यालय में CBSE बोर्ड के स्कूलों में जो प्री बोर्ड हुआ करते थे या जो उनका इंटरनल एग्जाम हुआ करता था उसको बेस मान करके एग्जाम देंगे, एक तो ये व्यवस्था है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 10th क्लास का किसी को जो मार्क्स दिया जाएगा, पेपर तो रद्द कर दिया गया है, पेपर तो 10th क्लास का CBSE का कराया नहीं जाएगा, बच्चों को स्कूल की तरफ से मार्क्स दिया जाएगा वो प्री बोर्ड के बेसिस पर, इंटरनल एग्जाम के बेसिस पर क्या क्या पैमाना बनाते हैं उसके बेसिस दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर किसी का कम है परसेंटेज, किसी को कम लगता है तो दोबारा से एग्जाम दे करके अपने को अपने मार्क्स को बढ़वा भी सकता है, यानी बढ़ भी सकता है, ऐसा न्यूज आ रहा है। तो प्लीज बेटा आप घबराइए नहीं। हालांकि ये जो मैं न्यूज बता रहा हूं इसको सभी लोगों ने जान लिया है, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने नहीं जाना है, सब लोग जानते हैं। क्यों? आज के दौर में सबके पास मोबाइल है, आज के दौर में सबके पास टीवी है, आज के दौर में सबके पास इंटरनेट है, मतलब जो कुछ भी जितना भी सुविधाएं हो सकती है वो सबके पास है, लगभग सब लोग जान गए हैं। तुम कहोगे सर कुछ लोग कह सकते हैं कहां सबके पास है, आप ऐसे ही कह रहे हैं, तो भैया जिसके पास में उसके पास न्यूज पहुंच जाएगा। और बताओ हम पहुंचा कैसे रहे हैं, हम भी नेट के थ्रू ही तो पहुंचा रहे हैं, तो अगर वो नहीं पहुंचा पाएंगे तो हम कैसे नेट के थ्रू पहुंचा ले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है सब लोग जान गए हैं, लेकिन एक हम टीचर हैं और ज्विटर इंस्टीट्यूट लखनऊ की एक सबसे बड़ी कोचिंगों में शुमार है और सबसे ऑथेंटिक न्यूज देने के नाते जानी जाती है, इस नाते जो है हमारा दायित्व तो भी बनता है, उसके नाते हमने बताया है। और दूसरी बात, आप एक बात और पॉइंट कर सकते हैं कि जो है आपने कह दिया ज्विटर कोचिंग लखनऊ की सबसे बड़ी कोचिंग है, यह सबसे बड़ी कोचिंग है। किस बिहाफ पर? इस बिहाफ पर कि टाइम से सिलेबस खत्म करना, इस कोरोना काल के दौर में भी लगभग 90% सिलेबस हमने कवर करा दिया है, सिलेबस टाइम से कवर कराना, जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज है आप तक पहुंचाना और सबसे ज्यादा फेयर सिलेक्शन देना, ये ज्विटर कोचिंग का ही काम है, वही दे सकती है। और सब लखनऊ में सबसे ज्यादा फेयर सिलेक्शन देती है, इसका चाहे तो गवर्नमेंट जांच करा ले। मैं ऐसा नहीं हूं कि जबरदस्ती का रिजल्ट पोस्ट करता रहूं, नहीं, मेरे पास तो लखनऊ की कुछ कोचिंगें ऐसे हैं जिन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है, उन बच्चों का मेरे पास वीडियो है जिन्होंने मुझसे बात किया कि सर मैं दूसरी जगह पढ़ता था लेकिन बस जबरदस्ती मेरा रिजल्ट डाल दिया गया है। और अगर इसको कोई भी चाहे तो मैं कम से कम 15 से 20 वीडियो में दिखा सकता हूं जिनका लखनऊ की डिफरेंट कोचिंग के लोगों ने वीडियो अपने पे पोस्ट किया, हमारे यहां से सेलेक्ट हुआ है, और उन बच्चों ने जो मेडिकल कॉलेज गए हमारी उनसे बात है और बात की फोन रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा सर हम पढ़ते दूसरी जगह से, बस सर फोटो चले गए खिंचाने में क्या दिक्कत थी, खिंचा लिया। हम ऐसे नहीं है, इस नाते हम लखनऊ की सबसे बड़ी कोचिंग और सबसे ऑथेंटिक कोचिंग है, और अपने दायित्व का निर्वहन करना ज्विटर बखूबी जानता है और हम करते रहे। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे हैं, तुम हमारे हो, बच्चों से हमारा दिल धड़कता है, बच्चों से हम पूरे होते हैं, बच्चों से परिवार बनता है, बच्चों से देश बनता है। तो बच्चों के हित में जो भी न्यूज है, लेकिन गुमराह करने वाली न्यूज नहीं, वो हम सब आपको अपडेट देते रहेंगे। बस हम जबरदस्ती का उस होड़ में नहीं रहते हैं कि बस कितनी जल्दी से जल्दी बता दे, हमें सही बताना है, एक्यूरेट बताना है, उसके लिए हम चीजों को
थोड़ा सा छन करके आने देते हैं, तब बताते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा और अपने सराउंडिंग का ध्यान रखिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।